makeup lovers, I'm Sonali. Welcome back to my channel. So friends, जैसे कि आपको title और thumbnail से पता चल गया होगा कि तो आज के video में मैं share करने वाली हूँ Bblunt hair color का review, demo, application सब कुछ. मेरे natural hair color जो है वो black है, इसलिए मैंने ऐसा color pick किया था जो मेरे सारे colors को you know, मतलब मैंने इसके पहले ombre color किया था, highlights किया था, बहुत सारा hair color मेरे hair में था और काफी सारा खिचड़ी सा हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कलर है. तो मैं चाहती थी कि मैं अपने हेयर को बिल्कुल एक कलर में कर दूं, इस वजह से मैंने ग्लोबल कलर किया यूजिंग ओनली दैट वन Bblunt. और आप देख सकते हैं मेरे हेयर में जो शाइन आया है, जो ग्लॉसीनेस आया है, आई एम जस्ट लविंग हेयर. मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है. वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने Bblunt के ऊपर वीडियोज बनाई हुई है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ, बट मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स को शो करना चाहती थी, Bblunt के रिव्यू बताना चाहती थी और उसे कैसे यूज करना है, अपने हेयर पे कैसे अप्लाई करना है, उसका फीडबैक और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी. तो वीडियो में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यानी डेमो में मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया. आप जरूर देखेगा, आप मेरे हेयर में शाइन देख रहे हो ना, ये शाइन ही आया है Bblunt के शाइन टॉनिक यानी सिल्क प्रोटीन के वजह से आया है. तो ये जो Bblunt है इसमें मेरा शेड है 4.56 और इसमें आपको मिलता है हाई शाइन क्रेम हेयर कलर, विच यू कैन सी राइट, विच यू कैन सी द शाइन, यू कैन सी राइट. ये सिल्क प्रोटीन वाला शाइन टॉनिक आपको अलग से 8 ml का प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है. मेंशन किया हुआ है कि आप अगर ब्लैक हेयर पे अप्लाई करेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, ब्राउन हेयर पे अप्लाई करेंगे तो लाइक बहुत ही लाइट सा कलर आएगा, पर अगर अपने ग्रे हेयर पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी कवरेज मिलेगी और आपको बिल्कुल ऐसे ग्लॉसी ग्लॉसी हेयर मिलेंगे जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे और बार बार ऐसे मेरी तरह टच करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. तो गाइज, आपको भी अगर ये इंट्रो पसंद आया हो और आप ये एप्लीकेशन देखना चाहते हो और मेरा रिव्यू उसमें होगा, मैं वॉइस ओवर में बोलूंगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चलो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेमो को. ये है Bblunt सैलून सीक्रेट हाई शाइन क्रीम हेयर कलर. ये एमोनिया फ्री है और ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हेयर कलर है, बट ये कलर बहुत ही अच्छा देता है, कवरेज इसकी काफ़ी अच्छी है. ये सारे जो चीज़ें हैं, डेवलपर कलरेंट और शाइन टॉनिक आपको मिलता है साथ में इसके, और एक लिपलेट जिसमें डायरेक्शन ऑफ यूज़ है. आपको ग्लव्स भी मिलता है एप्लीकेशन के लिए. मेरा शेड है 4.56, बहुत ही अच्छा ब्राउन शेड है और बैक साइड में अच्छे से लिखा हुआ है कि ब्लैक हेयर पे इस तरह का कवरेज देगा और ग्रे हेयर पे इस तरह का और ब्राउन हेयर पे. मुझे ग्रे हेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट टू यू नो ग्लोबल करने के लिए अपने हेयर कलर को मैंने इसे यूज़ किया. और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, आपको बिल्कुल भी आइज़ में नहीं लगेगा और बिल्कुल भी आपकी मतलब इधर उधर चढ़ता नहीं है. जैसे स्किन में अगर लग गया तो वहाँ पे ये कवरेज नहीं देगा, ओनली हेयर पे देगा. तो आपको इसे सबसे पहले मिक्स करना है. मैंने पूरा एक जो बॉक्स है पूरा मैंने अप्लाई किया है, मतलब ये पूरा ट्यूब मैं यूज़ करूँगी. और आपको या तो शीशे का लेना है बाउल, या तो आप मतलब ले सकते हैं, मेटलिक नहीं लेना है, आप प्लास्टिक बाउल यूज़ कर सकते हैं. तो अब ये कलरेंट मैं मिलाऊँगी, डेवलपर मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है. बिल्कुल भी आप जब इसे यूज़ करेंगे, मिक्स करेंगे, आपको फील ही नहीं होगा कि आप कोई केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये इतना ज़्यादा अच्छा है. शाइन टॉनिक अप्लाई करने का बेनिफिट मैंने देखा. अभी आप देख रहे हो ना, मेरे हेयर डल लग रहे हैं, ब्लैक है बट डल है. मेरा जो हेयर कहा वो ओम्ब्रे है, हाईलाइट से बहुत खिचड़ी सा हो गया था मेरा हेयर, इस वजह से मैंने ग्लोबल करने का सोचा था और मैंने ब्लैक ना चुन के मैंने 4.56 ये एक ब्राउन शेड है मैंने पिक किया. और इसमें कोई स्मेल ही नहीं है. जब भी आपने देखा होगा घर में अगर आपके कोई कलर करता है तो वो जब कलरिंग करता है तो हमें एक केमिकल का स्मेल आता है, आईज़ थोड़ी बर्न होती है और आंसू आ जाते हैं. मुझे इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं फील हुआ. अगर आप लगाते वक्त कलर को मिस्टेक कर जाते हो और आपके ईयर पे या फिर आपके यू नो रूट्स में लग जाता है तो ये वहाँ पे कलर नहीं देगा, कवरेज नहीं देगा, ये ओनली आपके हेयर में ही अप्लाई होगा और वहीं पे कवरेज देगा. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने अपने हेयर को अच्छे से डीटैंगल कर लिया है और आप देख रहे हो मैं ज़्यादा रूट्स में नहीं लगा रही हूँ बिकॉज मुझे ग्रे हेयर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप चाहें तो कोई पुराना कपड़ा पहन सकते हैं, वैसे ये कपड़े पर भी नहीं चढ़ रहा था, मैंने नाइटी पहनी हुई है एज़ यू कैन सी, बट ये बिल्कुल भी
मेरे कपड़े पे मेरे काफ़ी लग गया था, लेकिन जब मैंने इसे वॉश किया ये इजीली निकल गया। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि ये सिर्फ और सिर्फ हेयर पे ही कवरेज देता है और ना ही स्किन पे ना ही कपड़े पे देता है। तो इस तरह से सेक्शन टू सेक्शन करके आप लगाइए। मैंने हाथों से अप्लाई करना स्टार्ट किया और आप देखो मैं ग्लव्स में ना ब्लैक कलर का मैंने जो हेयर बैंड है आप कह सकते हो हेयर रबर है मैंने उससे टाई कर लिया ताकि मेरा जो ग्लव्स है वो इधर उधर खुल के ना जाए। वैसे ये हाथों से भी अगर आप लगाओगे ना तो भी ये आपके हाथों में कलर नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है और उसमें इस तरह से अप्लाई करना है। थोड़ा नीट वे में लगाने का कोशिश करिएगा सो दैट मतलब अच्छे से मेक श्योर होता है कि कलर सब जगह लग गया। जस्ट रैंडम कहीं भी लगाने से कलर वेस्ट हो जाएगा आपका। और उसके बाद इस तरह के मोटे जो दांत वाले ब्रश होते हैं ना वाइड जो होते हैं उससे आप कोम भी करो साथ साथ। तो मैंने यहाँ थोड़ा स्किप किया हुआ है बिकॉज इसमें इतना कुछ दिखाने वाला कोई बात नहीं था। तो जस्ट आप अप्लाई कीजिए और साथ साथ कॉम करते जाइए। अगर आप सोच रहे होगे कि ऐसे कॉम करेंगे तो फिर हेयर फॉल होगा हेयर टूटेगा, जी नहीं, मेरा तो बहुत हेयर फॉल नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली होगा बिकॉज आप एक सेमी लिक्विड टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपने हेयर में, तो डिटेंगल करते टाइम थोड़ा तो हेयर फॉल होगा बट इतना भी नहीं गाइस। मुझे ओवरऑल ये बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी मैंने अप्लाई किया था ये वाला कलर, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अब मैं पूरे हेयर पे अप्लाई करने के बाद अपने हेयर को टाई कर लूँगी और जस्ट इधर उधर टचअप करूँगी और इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी एंड देन शैम्पू कंडीशनर करके मैं अपने हेयर को वॉश करूँगी। जस्ट 30 मिनट्स ही आपको रखना है। और आप देखो गाइज ये है मेरा लुक, आफ्टर लुक बहुत ही अच्छा आया। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो गाइस ये था मेरा एप्लीकेशन और उसी में मैंने रिव्यू टिप्स ट्रिक्स और प्रोसेस भी बताया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो ना, आप भी परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लीजिएगा। मैं हूं सोनाली, मिलती हूं आपको अपने अगले वीडियो में, चलते हैं।